सो हेलो गाइस स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ विच इज़ कॉम्बिनेशनल सम और देखते हैं इसके दो वेरिएशन है हमारे पास कॉम्बिनेशन सम वन सम टू और एक सिर्फ कॉम्बिनेशन वाला भी था ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अपने एक एरे गिवन है ऑफ कैंडिडेट नंबर्स ए और एक टारगेट नंबर गिवन है बी फाइंड ऑल यूनिक कॉम्बिनेशन सारे यूनिक कॉम्बिनेशन निकालना है इन ए वेयर द कैंडिडेट सम्स टू बी ठीक है उनका सम बेसिकली बी होना चाहिए तो सम द सेम रिपीटेड नंबर मे बी चूजन फ्राम ए अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स तो बेसिकली अगर वन है या टू है तो वो कितने भी बार आ सकते हैं तो रिपीटन इज़ अलाउड ठीक है अब कुछ देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑल नंबर आर पॉजिटिव इन टीजर्स ठीक है एलिमेंट्स इन अ कॉम्बिनेशन मस्ट बीन नॉन डिसेंडिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए द कॉम्बिनेशन दम सेल्स मस्ट बी सॉर्टेड इन अच्छा जो फाइनल कॉम्बिनेशन होगा वो भी एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड चाहिए ओके और कॉम्बिनेशन ए ग्रेटर देन ठीक है डेफिनेशन दे रखिए कि कैसे वो कंसिडर करते हैं बट अपन समझ रहे हैं उसको है ना कि कैसे वो सॉर्टेड होंगे द सल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ये भी इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो आज एक बार देखते हैं फॉर टू एंड थ्री ठीक है तो और सम बीइंग टू तो हम एक चीज़ एक इंक्लूड कर सकते हैं टू थ्री सिक्स सेवन तो यहाँ पर टू टू थ्री एक वैल्यू है एक सेवन एक वैल्यू है ओके कुल इनफ तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं अपना और फिर डिस्कस करके देखते हैं कि क्या हमारा सिनेरियो बन रहा होगा ठीक है सो लेट से हमारे को गिवन है वन वन टू थ्री टू फोर एंड फाइव ठीक है एंड लेट से सम हाउ हमको नाइन सम बनाना ठीक है, है तो एक तो कॉम्बिनेशन ये होगा कि वन को हम नाइन बार उठा लें ठीक है मतलब वन को हम नाइन बार उठा लें बट uh, फिर दोबारा जब इस वन पे आएंगे तो फिर से ये एक और कॉम्बिनेशन बना के दे देगा वन वाला विद नाइन तो हम सब हाउ हमको सबसे पहले तो डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर ठीक है ताकि अगर हम कुछ प्रोसेसिंग भी करें तो वो एक ही बार वन पे हो क्योंकि हम इसको कई बार उठा सकते हैं फिर अगली बार इस पर आएंगे तो इसको भी सेम प्रोसेस इस पर भी लगा रहे होंगे विच इज़ अननेसेसरी एंड विल गिव अस रॉन्ग आंसर ठीक है तो पहले तो ये बात समझ में आएगी कि हटाने हैं तो सबसे पहले डुप्लीकेट्स ही हटा देते हैं ज़रा ओके सो वी है वन टू थ्री फोर फाइव तो वन को नौ बार ले लिया समझ में आती है बात लेट uh, से फिर एक बारी हमने आठ बार वन को ले चुके थे एंड टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट अब हमारे पास एक वन बचा है एंड लेट से अब की बार हम इसको चूज़ नहीं करते हैं एंड फिर हम यहाँ पे आते हैं तो अब हम इसको चूज़ नहीं कर सकते ऑल्सो क्योंकि क्योंकि बेसिकली ये वन चाहिए था और दिस इज़ ग्रेटर देन टू तो हम ये भी चूज़ नहीं कर सकते ओके दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना तो हमको देखो सम हाउ क्या करना है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको इंक्लूड कर लेना है या फिर इसको इंक्लूड नहीं कर लेना है ठीक है तो इंक्लूड कर लेने के क्या क्या ऑप्शनज uh, होंगे सबसे पहला सम हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला एलिमेंट होना चाहिए जो हमारे को रिक्वायर्ड सम है वो एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए ठीक है और ना इंक्लूड करने का एक ही कारण है कि सम इज़ लेस देन एलिमेंट या फिर वैसे भी जनरली भी कि मुझे नहीं इंक्लूड करना इवन दो ये केस है ठीक है और मैं नहीं चाहता कि वो इंक्लूड हो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से मैंने वन 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 फोर फाइव एंड सिक्स सिक्स टाइम्स वन ले लिया अब मैं uh, यहाँ पे आता हूँ टू पे और मैं नहीं चाहता ये इंक्लूड हो क्यों क्योंकि थ्री से डायरेक्टली आंसर बन जाएगा तो थ्री तो ये भी एक वैलिड आंसर है हमारे पास तो समहाओ इन दोनों केसेस के लिए मुझे ये वाला चेक लगाना है कि मैं एलिमेंट को इंक्लूड करूं या ना करूं बट जब इंक्लूड करूंगा उस एलिमेंट को तो ये केस इंश्योर होना चाहिए कि ये तो हो ही ठीक है सर दैट सम नेगेटिव ना चला जाए तो ठीक है ओवरऑल पिक्चर समझ में आ रही है कि हमें क्या करना होगा डुप्लीकेट्स को रिमूव करना होगा और कैसे करना होगा ठीक है तो रिकर्सिव कॉल तो देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड है हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन बनाते हैं कि गेट वी नीड टू गेट आंसर इंक्लूडिंग स्लैश एक्सक्लूडिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट एंड कॉलिंग फॉर अदर्स ठीक है तो हम एक एलिमेंट पे प्रोसेस कर लेंगे एंड बाकियों के लिए कॉल लगा देंगे ठीक है और कॉल लगाने का लॉजिक यही रखेंगे ठीक है कि सम अगर एलिमेंट से बड़ा है तो ही कॉल लगाएंगे अदरवाइज तो ये तो दोनों केसेस में लग जाएगी अगर हमें स्किप करना कोई एलिमेंट तो स्किप तो किसी भी केस में हो जाएगा ठीक है एंड मेक सेंस ठीक है तो आ जाओ एक बार इसकी ज़रा कॉल्स लगाते हैं आई होप दिस इज मोर देन क्लियर इनफ ठीक है समथिंग थिंग सिमिलर हमने सबसेट में भी किया था बट इसमें जस्ट सम फैक्टर आ गया एक फाइनल हम पहले एक बार एक आंसर बना लेते हैं ठीक है और आके यहाँ पे आंसर को क्लियर कर लेते हैं आंसर को साइज़ को ज़ीरो कर देते हैं ठीक है और और और, और एक सॉल्व फंक्शन बनाना है हमको है ना जो कि कुछ रिटर्न टाइप नहीं रखते उसका और कौन से इंडेक्स पे है वो रखना पड़ेगा कि हम कौन से इंडेक्स पे भी करंटली किसको इंक्लूड एक्सक्लूड करना है वो तो बताना ही पड़ेगा और एक इंटीजर है तो लगेगा ही लगेगा ठीक है और आंसर में इंक्लूड करने के लिए एक सबसेट एरे भी लगेगा ठीक है जो जिसमें बेसिकली एलिमेंट्स पड़े होंगे लास्ट बट नॉट द लीट सम तो चाहिए ही रहेगा ठीक है तो ये कुछ फील्ड हैं जो हमको रिक्वायर्ड है ओके okay. एंड फिर आते हैं सॉल्व पे सॉल्व में आई भेजेंगे एरे भेजेंगे सबसेट भेज देंगे और एक भेज देंगे ठीक है आईडिया एक्स स्टार्टिंग में तो जीरो होगा तो जीरो इंडेक्स एरे एज इट इज सबसेट एक बना लेते हैं है ना वेक्टर ऑफ इंटीजर ऑफ सब्सेट ठीक है सिंपली एज इट इज भी एज इट इज चला जाएगा एंड इसको कंप्लीट करने के बाद हमारे पास आंसर रिटर्न हो जाना चाहिए अच्छा एक चीज रहेगी हमको डुप्लीकेट्स uh, रिमूव करने थे एरे में से तो वो कर देते हैं एंड ठीक है तो वो भी बचता है एंड साम ये शॉर्टेड में भी चाह रहा था तो अगर लेट से ये कहीं ऐसे होता है रे तो कुछ सबसेट ऐसा भी बन सकता था थ्री वन वाला लेट से फ़ोर अगर सम था तो हमें ये नहीं चाहिए हमें वन थ्री चाहिए ये भी इसने लिखा हुआ था आई एस यहाँ पर एलिमेंट्स इन अ कॉम्बिनेशन मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर ठीक है तो, तो हम क्या करते हैं डुप्लिकेट और डुप्लीकेट भी रिमूव कर देते हैं और एक ही साथट भी कर देते हैं Uh, तो हम सेट यूज़ कर लेते हैं सिंपली सेट हमें एक uh, हमें सिंपली क्या दे, दे देगा डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा एंड हमें एक शॉर्ट ऑर्डर में दे, दे देता है ये ठीक है एंड एक नया एरे बना लेते हैं इंट न्यू एरे जिसके अंदर हम सेट को डाल देते हैं एज इट इज़ ठीक है ताकि शॉर्टेड में भी आ जाएँ वह तो हमारे दोनों काम हो गया ऐसे डुप्लीकेट रिमूव हो गया शॉर्ट भी हो गया ठीक है अनऑर्डर्ड सेट करते तो शॉर्टेड ऑर्डर में शायद ना आ पाते ठीक है तो एरे की जगह अब हम न्यू एरे भेज देंगे ठीक है अपना काम हो गया सॉल्व पे आते हैं इसमें है थोड़ा सा मेन काम तो हमने बात करी थी दो केसेस की ठीक है एक केस जो दोनों के लिए वैलिड है क्या कि हमको इंडेक्स को इंक्लूड ही नहीं करना तो सीधा आगे बढ़ जाओ यार ए आर आर एज इट इज़ सबसेट एज इट इज़ इट इज़ ठीक है दूसरा केस अकबर हमें इंक्लूड करना है तो सम अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एयर आर इंडेक्स है तो हमें क्या करना चाहिए हमें सॉल्व कॉल करना चाहिए क्या आई डी एक्स प्लस वन के लिए कॉल करना चाहिए नॉट नेसेसरीली क्यों ऐसा क्यों बोलो नॉट नेसेसरेली हमने बात करी थी वन टू थ्री फोर फाइव वाले केस की नाइन सम बनाना था अगर मुझे वन फिर से वन चाहिए और अगर मैं इंडेक्स को बढ़ा दूँगा तो, तो वो टू पर चला जाएगा ना तो मैं कह रहा हूँ एक काम करो वन को इंक्लूड कर लो उसके बाद क्या पता दोबारा वन अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे दे तो इंडेक्स प्लस वन बात करो दोबारा से उसी इंडेक्स के लिए कॉल कर दो क्या पता ये फिर से दे दे कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है और आ, एरे एज इट इज़ भेज देंगे सबसेट में डालना पड़ेगा एलिमेंट अगर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ तो सबसेट में पुशबैक करा देंगे ए आर ऑफ इंडेक्स ठीक है और सम के एज इट इज़ भेजूँगा नहीं अब हमको सम नाइन नहीं बनाना अब हमें सम एट बनाना है ठीक है तो सम में से ए आर आर आई डी एक्स को रिमूव कर देंगे ठीक है एंड सबसेट में से पॉप बैक भी कर देंगे आफ्टर ऑल दी कॉल्सर कंप्लीटेड, है ना क्योंकि देखो ये रिमूवल तो हम हमें करना ही पड़ेगा ना लेट से नाइन आया ये एक केस बन गया था वन 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 नाइन टाइम्स ठीक है और नाइन टाइम्स नेक्स्ट टाइम जब हमें मान लो वन 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 एट सेवन टाइम्स आ गया था और फिर हमें टू डालना था तो रिमूवल तो होना चाहिए ना वो दो के लिए क्योंकि हमने एज अ सबसेट को एज अ एड्रेस भेजा है ये मैं इसलिए पूरा रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने ये चीज़ सबसेट में देख ली है ऑलरेडी ठीक है अगर किसी को डाउट है तो वो वाली वीडियो देख सकते हो ठीक है बट ऑल दो इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छा तो अपना रिकर्सिव कॉल बन गई अपना लॉजिक बन गया अब एक चीज़ बच गई बेस केस ठीक है बेस केस क्या होगा कि लेट से सम ज़ीरो हो जाता है ठीक है ये हमारा रिक्वायर्ड केस है सम अगर जीरो हो जाता है तो फाइनली हमको आंसर मिल गया ठीक है तो हम आंसर में बैक करा देंगे रिक्वायर्ड को और यहाँ से कर जाएंगे क्या रिटर्न सिंपली ठीक है मान लो सम हाउ सम हाउ मेरे पास हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड ऐसे पढ़ाया है में और मेरे को सम बनाना है वन तो क्या होगा सॉल्व के लिए आई डी एक्स प्लस वन कॉल होगा और सिर्फ इसके लिए भी नहीं एक काम करो सिर्फ़ इसके लिए बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट फर्स्ट टाइम आके क्या होगा स्टार्टिंग में आई डी एक्स जीरो होगा नेक्स्ट टाइम आई डी एक्स वन नेक्स्ट टाइम आई डी एक्स टू फिर नेक्स्ट टाइम आई डी एक्स थ्री बट सम तो अभी भी जीरो नहीं हुआ क्योंकि हम तो सिंपली स्किप करे जा रहे हैं और सम एज़ इट इज़ है तो उस वो तो एक एज केस वो भी तो हैंडल करना पड़ेगा है। कि अगर आई डी एक्स मेरा इक्वल टू इक्वल टू मेरे एरे के साइज़ के बराबर हो जाता है तो भी मुझे रिटर्न कर जाना यार तो भी मुझे कुछ काम नहीं करना ठीक है तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द केस है ना तो सीम्स फाइन सीम्स फाइन टू मी एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं अगर कोई एरर आता तो पहले उसको सॉल्व करेंगे आंसर uh, में पुश पुशबैक सॉरी रिक्वायर्ड तो कुछ है ही नहीं सबसेट हमने लिया था हम्म hmm, ये कुछ केस के लिए फेल किया अब ये केस देखते हैं एक बार क्या है द एक्सपेक्टेड रिटर्न वाज दिस वन 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 और हमने एट 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 टेन दिया है ओके okay, तो सम हाउ हमने ये केस दिया है मतलब इस टाइप के केसेस बट वो बाद में हैं और हमने एक कंडीशन फुलफ़िल नहीं करी क्या आ, ये वाली फोर्थ वाली तो कॉम्बिनेशन थर्ड और फोर्थ वाली बेसिकली कि वो कॉम्बिनेशन भी तो सॉर्टेड होने चाहिए फाइनली जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो भी सॉर्टेड होने चाहिए अगर आप यहाँ पर देखो तो ये बाद में आ रहे हैं वन से स्टार्ट होने वाले जबकि एट टेन एट से स्टार्ट होने वाले पहले आ रहे हैं विच इज़ कम्प्लीटली नॉट इन असेंडिंग ऑर्डर राइट तो हम क्या कर देंगे एक सिंपली एक और शॉर्टिंग लगा देंगे यहाँ पे, किसके ऊपर आंसर के ऊपर ठीक है आंसर डॉट एंड ठीक है तो अब आई होप ये बात बन जानी चाहिए मेक सेंस सबमिट करके देखते हैं कूल इनफ सबमिट हो गया ठीक है स्ट्रेट फॉरवर्ड सा था क्वेश्चन सिंपली uh, हमें सबसेट निकालने थे और हमें बस इक्वल टू जीरो के लिए uh, बस पुश कराना था तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी सिमिलर ही होगी टू द पावर एन ही रहेगी बट जस्ट इन अ केस कि यहाँ पर जैसे हमारी जो कॉल लग रही है वो कुछ ऐसे लग रही है अगर हम कॉल की बात करें तो लेट से ज़ीरो नाइन की बात करूँ तो वो ज़ीरो एट के लिए लगेंगी ज़ीरो सेवन के लिए लगेंगी ज़ीरो सिक्स के लिए ज़ीरो फाइव के लिए ज़ीरो फोर थ्री अप टू टू अप टू वन अप टू ज़ीरो ठीक है यहाँ तक कॉल लगेंगी इसकी ठीक है और लेट से सिर्फ तीन ही एलिमेंट थे इसके अंदर ठीक है तो यहाँ पर ज़ीरोट से हमने यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं किया तो ज़ीरो नाइन और वन नाइन एक्चुअली वन नाइन तो हम इसको एग्जैक्टली exactly टू की पावर एन नहीं कह सकते ठीक है इस कॉम्प्लेक्सिटी को मैं टू टू द पावर थ्री ऐसा नहीं कह सकते है ना एट कॉल्स तो नहीं लग रही है टोटल एट कॉल्स तो नहीं है सम पे भी डिपेंडेंट है कुछ ना कुछ ठीक है सम पे भी डिपेंडेंट है सम अगर एक एक से कम हो रहा है या सम दो दो से कम हो रहा है तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली टू टू द पावर एन वेर एन इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ठीक है तो इसकी वो टाइप कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है तो कितनी है कितनी है एक्चुअली ठीक है तो अगर हम यहाँ से सम ऑफ फिगर आउट करें कि सम भी कम हो रहा है और इंडेक्स भी बढ़ रहे होंगे कुछ जगहों पर तो एट मैक्स अगर इंडेक्स बढ़ने वाले की बात करें तो वो एन तक जाएगा एन कॉमा वट एवर द सम इज ठीक है बट इस केस में इट कैन गो अप टू वट एवर द वैल्यू इज सम की वैल्यू एक एक से कम हो हम मान लेते हैं कि सम की वैल्यू सिर्फ एक एक से ही कम हो रही है ठीक है सम की वैल्यू हर बार सिर्फ एक एक से ही कम हो रही है विच इज़ अ वेरी वर्स्ट केस क्योंकि हम डुप्लीकेट्स भी रिमूव कर रहे हैं तो हम टू टू द पावर सम तो सम हाउ कह सकते हैं बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट द राइट क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अपर बाउंड हो गया ठीक है क्योंकि वन हर बार वन से तो डिक्रीज नहीं ही, ही होगा क्योंकि डुप्लीकेट्स तो हम नहीं ले रहे हैं बट समहाव हम टू टू द पावर सम और टू टू द पावर एन के बीच में इसको बोल सकते हैं ठीक है सो so, ये सिनेरियो था एंड सेकेंडली सेकेंडली Uh, एक जो है हमने एक्स्ट्रा सॉर्टिंग लगाई है इसको हम बचा सकते हैं क्यों बचा सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं ये देखो हमने यहाँ पे सॉल्व डायरेक्टली रिमूव कर दिया मतलब डायरेक्टली आगे बढ़ गए हम इवन बिफोर चेकिंग दिस दिस पॉइंट ठीक है तो हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज कर, कर देते हैं आई विल नॉट जस्ट इंक्लूड माई इंडेक्स आई विल इंक्लूड ऑल दर्दर इंडेक्सेज एंड आई विल चेक फॉर फर्दर वैल्यूज़ मतलब जैसा हमने सिमिलर टू वट हमने सबसेट uh, में किया था तो हम कुछ वैसा ही करेंगे कि मान लो हम इस इंडेक्स को अगर जो मेरा करंट इंडेक्स है वो सम से बड़ा है उसकी वैल्यू या सॉरी छोटी है तो हम उसको इंक्लूड करेंगे ठीक है और आगे के लिए कॉल कर देंगे सिमिलरली उससे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो उससे बड़ी होगी क्यों क्योंकि हमने सॉर्ट किया हुआ है फिर हम उसको इंक्लूड करके देखेंगे तो हर बार हम एक एक एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे और बाकियों के लिए कॉल कर देंगे जैसे दिस इज़ again what इज सिमिलर टू what वी डिड इन सबसेट ठीक है देखो क्या हो रहा होगा बेसिकली मान लो वन टू थ्री फोर अगेन नाइन समय ठीक है थीके? तो हम आए हमने बोला कि यार वन को इंक्लूड करो आगे के लिए कॉल कर दो आगे के लिए किसके लिए वन के लिए कॉल कर दो दोबारा से ठीक है तो यहाँ पर आए फिर से इसने वन कामन नाइन था यहाँ पे एक्चुअली वन नॉट वन कॉमन नाइन बट ज़ीरो कॉमन नाइन वन इज़ द वैल्यू एट जीरो इंडेक्स ठीक है zero eight, zero seven, zero six, जीरो एट जीरो सेवन जीरो सिक्स ऐसे करके ये ज़ीरो जीरो तक चला जाएगा और आंसर में इंक्लूड कर लेगा मेक सेंस नेक्स्ट टाइम ये लेट्स से इसने सारे जीरो से स्टार्ट होने वाले पैर यहाँ पे बना लिए होंगे ठीक है जब हमने इसको इंक्लूड किया नेक्स्ट टाइम हम वन पे आए विद सेम सम ठीक है नाइन हमने वन को इंक्लूड किया और टू सेवन तो जितने भी अब वन से स्टार्ट होने वाले हैं वो सारे यहाँ बन जाएंगे थ्री से स्टार्ट होने वाले सारे बन जाएंगे सॉरी टू इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले थ्री इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले सारे बन जाएंगे तो समहाव हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे क्यों इससे फ़ायदा क्या होगा यार क्योंकि हम ये वाले इंडेक्स को जब इंक्लूड करेंगे तो अगली बारी में या तो सेम इंडेक्स को इंक्लूड कर रहे होंगे सेम इंडेक्स और अ ग्रेटर इंडेक्स ठीक है और अ ग्रेटर इंडेक्स तो वो क्या इंश्योर कर लेगा हमारे को वो ये इंश्योर कर लेगा कि ऑल द वैल्यूज़ ऑल द वैल्यूज जो इसके आगे हैं ऑल द वैल्यूज एट आई प्लस वंथ इंडेक्सेस आर ग्रेटर देन करंट इंडेक्स आर ग्रेटर देन आई एथ इंडेक्स तो डेफिनेटली इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू अगर हमारे सबसेट में डल भी रही होंगी तो वो ग्रेटर होंगी तो इसका मतलब क्या है कि सम हो वी आर गेटिंग सॉर्टेड गेटिंग इट शॉर्टेडिंग सॉर्टेड ऑर्डर ठीक है और हम मिनिमम से स्टार्ट कर रहे हैं और मैक्सिमम तक जा रहे हैं ठीक है तो ये भी हम करके देख सकते हैं ना इंट आई इक्वल टू आई डी एक्स आई इक्वल टू ए आर आर का साइज़ आई प्लस प्लस अगर अगर हमारा सम जो है बड़ा या बराबर है अदरवाइज़ तो हमें इसको इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है या उसको तो प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है ठीक है और और हाँ एक और बात अगर तुम ध्यान से देखो कि अगर हम एल्स क्यों नहीं लिख रहे हैं इसका ऑल्डो हमने यहाँ लिखा था ओके okay, तो हमें यहाँ पे एल्स अगेन लिखने की जरूरत नहीं है कारण कारण उसका यह है क्योंकि हम ये फॉर लूप में बाकी एलिमेंट्स को ला रहे हैं ना बट यहाँ पे ऐसा नहीं था ना यार यहाँ पे हम सिर्फ करंट इंडेक्स की बात कर रहे थे और इसलिए हमें बाकी इंडेक्सेस पे कॉल कराना था जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो लेट से टू थ्री फोर फाइव था ठीक है और मेरे को नाइन सम बनाना था तो मैं फर्स्ट बार ही आया मैं इसको इंक्लूड करूँगा या नहीं करूँगा इस केस के अंदर बट यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको इंक्लूड कर लेंगे राइट हमने इसको इंक्लूड करके सारे वैल्यूज़ बना दिए ठीक है नेक्स्ट टाइम जब ये सारे अपने कॉल्स करके आ चुका होगा जब टू से स्टार्ट हो रहा होगा जब फर्स्ट टाइम सबसेट में टू इंसर्ट हो रहा होगा तो उसके बाद ये नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएगा यानी कि थ्री पे और अब वो इससे सारे पैर्स को निकाल के लेके आएगा राइट तो ये काम यहाँ पर लूप कर रहा है बट यहाँ पर कोई करने वाला नहीं था इसलिए हमको अलग से इसको डालना था आई होप दिस इज़ क्लियर ठीक है तो यहाँ पर हमें एल्स अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है फॉर लूप अपने आप ही कर लेगा तो सबसेट डॉट बैक क्या कर देंगे ए आर आर ऑफ आई डाल देंगे और सॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे फॉर दिस आई एंड ठीक है उसी इंडेक्स के लिए कॉल करेंगे अब नेक्स्ट टाइम वो अपने आप अगर उसको आगे बढ़ना होगा तो वो बढ़ जाएगा मतलब वो बेसिकली सारे उसकी कॉल्स को निकाल के ले आएगा इसका एक ड्राई रन भी करेंगे अभी हम ठीक है और ए आर आर और हमने सबसेट भेजा और हमने सम भेजा ठीक है और सबसेट डॉट बैक ठीक है जी आई होप मेक्स इट मेक सेंस और अब हमें इस शॉर्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि क्यों हमने ऑलरेडी शॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट कराएं ठीक है तो हमने एक यहाँ से अब हमारी एक शॉर्टिंग बचा ली है तो बेसिकली हमारी मेमोरी लिमिट एक्सीड हो रही है तो कहीं ना कहीं हमने सबसेट या फिर हमारे आंसर को एक्सप्लोइ किया है और दो इसकी ज़रूरत नहीं है तो पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बट आंसर में हमने सबसेट को पुश किया है एक ही बार कर रहे हैं हर बार और सबसेट में ए आर आई को पुश करा रहे हैं ओके okay, हम यहाँ से सब में डिक्रीज ही नहीं कर रहे हैं, तो हर बार डालते जाएगा ठीक है तो यार आर आर आई डेक्स को रिमूव भी करना था बट अभी भी हमारा सबमिशन टेस्ट केस फेल्ड ओके तो देखते हैं एक बार इसको ये यह यहाँ पर भी क्यों एरर दे रहा है फिर से सम अगर ज़ीरो है तो हमने आंसर में बैक कराया सबसेट uh, रिटर्न करा दिया अदरवाइज़ यहाँ पे आते हैं सम इज ग्रेटर सम इज़ ग्रेटर दैन मस्ट भी एरर आई से कंपैरिजन करेंगे ना उसको पुश करा रहे हैं हम सबसेट में पुश कराया एरर आर आई सॉल्व कराया ए आर आई ए आर आर सब एंड सम माइनस ए आर आर आई नॉट ए आर आर आई हर बार फर्स्ट वाली वैल्यू को हम आंसर से रिमूव नहीं कर सकते कि आप थ्री को भी रिमूव करेंगे फोर को भी रिमूव करेंगे सबसे डॉट पॉप बैक एंड यहाँ पर हमने सेट में वैल्यू डाली थी ये तो सही लग रहा है एक बार दोबारा टेस्ट करते हैं कुछ सिली मिस्टेक्स थी ठीक है सही आ रहा है सबमिट करके देखते हैं ठीक है सही है जी तो ये दोनों अप्रोचेस आप कर सकते हो फर्स्ट वाली आई होप एग्जैक्टली सिमिलर है जो परमोटेशन कॉम्बिनेशन में की थी सेकेंड वाली में भी हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी बट उसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं ताकि क्लैरिटी अगर किसी को नहीं हुई है तो मान लो हमको फिर से टू थ्री फोर फाइव और नाइन गिवन था ठीक है और सबसे पहले हम आए हमने सबसेट अपना यहाँ पे बनाया हुआ है और यहाँ पे हमने आके ज़ीरो विथ नाइन के लिए हमने कॉल किया ठीक है ज़ीरो आए हम लेस देन इक्वल टू है हाँ जी सम बड़ा है और ए आर आर आई छोटा है तो हम क्या करेंगे ज़ीरो सेवन के लिए कॉल करा देंगे सेम इंडेक्स के लिए फिर ज़ीरो फाइव के लिए कॉल करा देंगे ज़ीरो थ्री के लिए कॉल करा देंगे ज़ीरो टू के लिए कॉल करा देंगे अब ज़ीरो वन के लिए ज़ीरो सॉरी ज़ीरो थ्री के बाद सॉरी दिस इज़ रॉन्ग दिस इज़ ऑल रॉन्ग ज़ीरो थ्री के बाद क्या होगा ये एक और कॉल लग जाएगी किसकी ज़ीरो वन की अब मैं सम इक्वल क्या सम ग्रेटर दैन इक्वल टू एरर आई होगा नहीं टू नो थ्री नो फोर एक्चुअली टू से सारे बड़े ही होंगे तो मैं यहाँ पे एल्स ब्रेक भी करा सकता हूँ ठीक है अगर मेरा सम मेरे से बड़ा ही नहीं हुआ तो मेरे आगे वालों से तो कैसे बड़ा होगा वो ऑलरेडी मुझसे बड़े हैं ठीक है थीके? तो ये हम लिख सकते हैं एल्स ब्रेक ठीक है break, तो यहाँ पे हम ब्रेक करा देंगे इसको और अगली बार हम अपनी ये किस पे वेट कर रहा था यहाँ पे वेट कर रहा था अभी यहाँ पे रिज्यूम हो जाएगा और टू को अब रिमूव कर देगा ये इसमें से ठीक है और सम की वैल्यू को वापस से क्या कर देगा जीरो थ्री कर देगा सम की वैल्यू यहाँ पर थ्री होगी क्योंकि नेक्स्ट वाली में वन थी वो अब हम आएंगे नेक्स्ट वाली वैल्यू पे यानी कि थ्री पे इधर ठीक है फिर इसको इंक्लूड कर लेंगे ज़ीरो ज़ीरो हो गया अब सम तो ये अपने आंसर में बढ़िया तरीके से अब डल जाएगा हमने क्या क्या इंक्लूड कर लिया था टू एक -क् बार टू एक बार टू एक और बार और एक थ्री यहाँ पे इंक्लूड कर लिया तो ये हमारे आंसर में डल गया होगा सिमिलरली बाकी सब कॉल्स के लिए भी ऐसा होगा काफ़ी बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसका ट्री बनाने की कोशिश करूँ तो वो कुछ ऐसा बन रहा होगा टू थ्री फोर फाइव ज़ीरो नाइन ज़ीरो सेवन ज़ीरो फाइव ज़ीरो थ्री ज़ीरो वन एंड देन इट फेल्स यहाँ पे वन ज़ीरो वन ज़ीरो एंड नेक्स्ट टाइम ये एक और बार आएगा किसके लिए फोर के लिए ये ग्रेटर हो जाएगा तो ये ब्रेक ही कर ब्रेक ही कर देंगे इसको ठीक है अननेसेसरी और कॉल्स लगाने की जरूरत नहीं है एक मतलब एक पूरा लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर हमने एक आंसर बना लिया था टू 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 और थ्री ठीक है तो ये इंक्लूड हो गया अब यहाँ से वापस बैक ट्रैक कर जाएंगे फोर फाइव के लिए कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे कॉल करने का यहाँ पर आ जाते हैं हमने जीरो को ले लिया था अब की बार वन वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे तो वन एंड टू और अब हम आ, आगे ही बढ़ेंगे पीछे नहीं जा रहे होंगे ठीक है वन टू और अब इससे आगे जितने भी वैल्यूज हैं सारी इससे बड़ी हैं तो कुछ भी इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पर फिर से कुछ भी इंक्लूड नहीं करेंगे वापस आ जाते हैं नेक्स्ट टाइम सेकेंड इंडेक्स को इंक्लूड करेंगे टू और वन कोई वैल्यू नहीं बचेगी फिर से कुछ कोई फ़ायदा नहीं है इसके आगे कॉल लगाने का सब वापस आ जाएगा एज इट इज़ ठीक है फिर यहाँ पे थ्री विद ज़ीरो ठीक है तो अब ये हमारा इंक्लूड होकर आंसर बना दिया एक तो यहाँ से क्या इंक्लूड हो जाएगा टू टू एंड फाइव मेक सेंस नेक्स्ट टाइम यहाँ पर यहाँ पर अब की बार हम टू को इंक्लूड नहीं करेंगे आगे बढ़ जाएंगे और अब थ्री को इंक्लूड करके देखते हैं ठीक है वन विद फोर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे फिर से थ्री को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे फिर से वन एंड वन कोई फ़ायदा नहीं होगा वापस कॉल्स वापस आ जाएंगे यहाँ पे वन थ्री को छोड़ेंगे अब की बार फोर को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे टू एंड ज़ीरो ये ये सही बन गया ठीक है तो टू थ्री एंड फोर एक केस ये बन गया ठीक है टू यहाँ पे इंक्लूड किया था थ्री यहाँ पे और फोर यहाँ पे नेक्स्ट टाइम फाइव के लिए आते हैं ज़ीरो एंड टू ठीक है अब इसके आगे कोई फिर से फाइव को इंक्लूड तो करेंगे नहीं सॉरी फोर को इंक्लूड करेंगे सॉरी यहाँ पर हम फोर को इंक्लूड करेंगे तो टू विद थ्री और इसके आगे कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है नेक्स्ट पे आते हैं क्योंकि अब की बार हमारे पास क्या है यहाँ पे थर्ड सेकेंड इंडेक्स पे क्या पड़ा है फोर और फाइव है ठीक है इसको इंक्लूड करके इससे कम तो कुछ होगा नहीं तो बाकी सारी कॉल्स वापस ही आ जाएंगी ठीक है यहाँ पे थ्री और टू इसके आगे क्या है बस एक फ़ाइव पड़ा है तो कोई फ़ायदा नहीं है जाने का मेक सेंस तो ये अभी तक हमारे पास बन गया तो सिमिलरली अब हम नाइन के लिए ये तो होगी सारी जब टू को इंक्लूड करते हुए टू से एज अ स्टार्टिंग होगी तो क्या क्या बनेगा एक ये बनेगा एक ये बनेगा एक ये बनेगा सिमिलरली थ्री से स्टार्ट होने वाली कॉल्स लग रही होंगी ठीक है तो अब क्या आएगा वन सिक्स अब इससे यहाँ पे थ्री फोर फाइव हमारे पास ऑप्शन है थ्री को इंक्लूड अगर करते हैं तो वन थ्री फिर से एक और बार थ्री को ज़ीरो थ्री तो सिमिलरली वैसी कॉल्स यहाँ पर भी लगती चली जाएंगी ठीक है आई होप ये पूरा ट्री आप बना सकते हो काफ़ी बड़ा सा ट्री बनेगा बट दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक तो आई होप समझ में आया होगा एंड ये क्वेश्चन था दोनों अप्रोचेज़ थी दोनों अप्रोचेज आई होप क्लियर होंगी अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करना इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हो बाय नेक्स्ट मिलते हैं